वोट तो हम भाजपा को ही देते हैं सदियों से, वही कमल के फूल पर जहाँ सब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अब मोदी अच्छा करे चाहे खराब करे, जहाँ सब दे थे दे भाई देना है ये बार। यहाँ अमूल डेयरी है ना, अमूल डेयरी में क्या हमारे बनारस में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ला करके गुजरातियों को यहाँ रख दिया इन्होंने, एकदम कर्मचारी नहीं है टोटल बिहार गुजरात तो आपके वहीं के हैं, गुजरात के, गुजरात से महाराष्ट्र से सब कर्मचारी जितने आए सब वहीं, यहाँ के लोग खाली झाड़ू मारने के लिए हैं। जब से मेरे मोदी जी आए हैं काशी में, मेरा बिजनेस 100% अप हो गया है, 20%, 40%, 50% नहीं 100%। भी महंगाई तो है, बचत उस हिसाब से हम लोग ट्रांसपोर्टरों को भी बचा तो पा नहीं रहे हैं। हमारे हमारी बात ठीक है गठबंधन की हो, हम तो फिर भी गठबंधन को ठीक मानते हैं कि सब एक दूसरे का पैर खींचेगा, सब एक दूसरे के समझौता से और सिस्टमेटिक चलेगा। एक को अगर हम अगर बहुमत दे दिया जाए तो तानाशाह तो बढ़ता है ना, क्योंकि हमें लगता है मैं ही लीडर हूँ, मैंने कह दिया बस ये डन तो डन। महंगाई को आप तो एक मुद्दा बना लिए हैं लोग, महंगाई कहाँ है सर? महंगाई के हिसाब से हमारा पगार भी तो बढ़ा है सर, कमाई भी तो बढ़ी है, इनकम भी तो बढ़ा है सर, कैसे कह सकते हैं कि महंगाई है? 85 घर तोड़ दिए, उनको छोटा सा आवाज दे दी वहाँ पे, और आज तक तो ना तो नाली है सीवर है ना ही आज तक पानी है। हम लोग पैसा 500 रुपये दूसरे के देकर पानी लेते हैं महीने का। आप ना सभासद को पहचानते हो, ना आप विधायक को पहचानते हो, ना आप अपने सांसद को पहचान, मान लीजिए हमारे यहाँ तो सीधा प्रधानमंत्री है, सभी लोग आते हैं, लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में कौन विधायक है हम कह रहे हैं, कोई बाई फेस कोई देखा नहीं। जब वोट का समय आएगा तो सब लोग दौड़ा लगाते हैं, पर्दा डाला जाता है, कहीं भी साफ सफाई के नाम पर पर्दा लगा दिया जाता है कि हाँ सब पूरा बनारस स्वच्छ है। होने को तो बहुत कुछ हुआ है सर, और आप सब लोग देख भी रहे हैं, ये बात नहीं कि नहीं देख रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या बदलाव हुआ सब लोग देख रहे हैं, विकास तो बहुत हुआ है सर। सब काम कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए हैं, वो बेचारे मजबूर हैं कहीं खाना बेचने के लिए, कहीं खाना लगाने के लिए, बिना पैसे के काम करने के लिए, क्या उनको अक्कल नहीं है? हम कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रहे हैं? कभी पूछते हैं कॉन्ट्रैक्टर कितना मानदेय उनको दे रहा है? उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? बस आओ काम करो, काम करो, पैसे मत मांगो, ये हालात है मोदी सरकार की। आप चाहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में जाके आप कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, निठल्ले पड़े रहना चाहते हैं, पान चबाते हुए दिन भर आपके पास कस्टमर आए उनको जवाब दे कि भाई आज काम, आज ऑफिस बंद है, यही कहना चाहते हैं ना? ये किसने कहा? देश का विकास तब, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। विपक्ष शून्य क्यों है? क्योंकि वहाँ अनुभवी लोगों की कमी है, जो ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पास की बेसिक चीज़ें हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, तीन ही बेसिक चीज़ हैं, जिसमें से गवर्नमेंट जो है आपके पास स्वास्थ्य और सड़क पे तो काम कर रही है, शिक्षा पे काम करना बाकी है। मोदी सरकार को मंथन की ज़रूरत है, और जितना इन्होंने काम किया, बहुत सारे अच्छे काम किए और बहुत सारे ऐसे भी काम किए जिससे जनता भी नाराज़ है, जिसमें GST एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर स्टेडियम की जगह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन जाती, जब बनारस के कम से कम 2-4 हज़ार युवा रोज़गार पा जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। भारत को अगर विकसित बनाना है तो मोदी जी को लाना है।